अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज मैं बर्ड्स का फीड वगैरह चेंज करने आया हूँ ऊपर, ईद का सेकंड डे। और ये सामने आप देख रहे होंगे जो मटके नीचे उतरी हुई है, ये इसके एग्स हैं और ये फर्टाइल नहीं हुए क्योंकि इन्होंने 6 जुलाई को ये एग ले आउट किए थे। और ये कोई भी मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ये प्रोग्रेस इनकी फर्स्ट, अच्छा ये फर्स्ट क्लच है इनका और उसके हिसाब से आज 22-24 दिन हो गए, लेकिन जो है कोई प्रोग्रेस अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इनको देखता हूँ, एक दो दिन और इनको देता हूँ। देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये एग साफ पता चल रहे हैं कि मतलब ये फर्टाइल नहीं हुए। और ये देख रहे हैं ये जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया हो चुका है, मतलब ये फर्टाइल नहीं हुए। तो या तो इनको निकाल देना बेहतर है। ये सामने जो पेड़ नज़र आ रहा है, ये इसके चिक्स है, ये इसके एग्स हैं, ये जो पेड़ है और ये इसका फर्स्ट क्लच था। और माशाल्लाह से ये जो मेल फीमेल है, ये 6 to 7 मंथ में इन्होंने ये पेयरिंग की है और ये एग्स ले आउट किए इन्होंने। और ये जल्दी कर दी इसलिए इसने फर्टाइल नहीं किए, चिक्स हैचिंग नहीं हुई। और मैं ये सोच रहा हूँ कि निकाल देता हूँ उसको भी, ये पहले ही डेट्स बहुत ऊपर हो गए हैं इसके दिन, या 4-5 दिन और देकर देखते हैं इनको। और इस बार बहुत लेट कर दिया, तकरीबन रमज़ान से पहले से इन्होंने चिक्स दिए हुए थे। ये पेड़ ने एक ये था, ये तो उड़ी गया। मैं इनकी वैसे यूट्यूबर बनाऊँ, यहाँ पर एक पेड़ था जो मटकी में उन्होंने बच्चे दिए हुए थे, क्रीम में, आपको बच्चे भी दिखाता हूँ। और उस बहुत सारा कचरा जमा था, तो मैंने वो निकालने के चक्कर में मुझसे इसकी फीमेल मादा उड़ गई, तो फिर मैंने न्यू ये मादा डाली। और अभी तक खैर ये तो न्यू पेयर है, ये एक पुराना पेयर है और ये भी पुराना पेयर है। और इसकी 2 दफ़ा मादा मर चुकी है, वो पीछे जो बैठा हुआ वो मेल है, वो जो आपको नज़र आ रहा है, और ये फीमेल है। ये न्यू फीमेल डाली है लेकिन अभी ये अडल्ट हुई नहीं है, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या प्रोग्रेस होगी। और ये ब्लू पसनाटा है, उसको मैंने एक फीमेल ला के दी है लेकिन वो पीछे जाकर बैठी रहती है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका भी कुछ सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा मैं इनके आपको चिक्स दिखाता हूँ, बाकी जो दूसरे चिक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मुझसे मादा उड़ गई फर्स्ट या सेकंड रमज़ान में, ये जो आपको एक वो पीछे चढ़ रहा है वो भी बच्चा उसी का चिक, ये जो एक सामने बैठा हुआ है ये मैंने उसको टेम करने की कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं दे पाया, इसका नाम मैंने टाइगर रखा था। और ये टेम होने भी लगा था, मतलब हाथ पर बैठ रहा था, स्टेप अप हो रहा था, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। माशाल्लाह से वो था तो चारकोल का पेड़, लेकिन उसने बच्चे जो दिए थे वो 2 पलपाइट थे, 3 क्रीम थे, 2 पलपाइट थे, 1 क्रीम मुझसे मर गया फीड करवाते हुए, क्योंकि इनकी माँ उड़ गई मुझसे, फीमेल मादा, तो मुझे हैंड फीड करवानी पड़ी। ये भी एक न्यू पेयरिंग है, ये नर पुराना है मेरे पास, ये जो सामने बैठा हुआ ये आपको नज़र आ रहा है ये मेल है, वो सामने फीमेल है। और मेरा जो सबसे पुराना और अच्छा जोड़ा था वो ये था, लेकिन अब मैं इसको सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ क्योंकि इसके प्रोग्रेस हल्की हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ये जो ऊपर बैठा हुआ ये मेल है और ये फीमेल है, ये 3 साल हो गए माशाल्लाह से इसको मेरे पास, इस पेयर को। बस ये आज मुझे थोड़ा सा ये कि ये जो मतलब डे के हिसाब से अगर हम देखें 18 to 20 डेज़ में मेरे पास पहले चिक बाहर आ जाते थे,
और ये एग जो है इन्होंने का मतलब कुछ सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। अगर इनमें से एक भी कुछ नज़र आ रहा होता तो मैं सोचता कि शायद सही है ये, और मुझे ये अब सही नहीं लग रहे तो इसलिए मैं इनको निकाल देता हूँ और न्यू क्लच का वेट करता हूँ। ये सामने जो पेयर है ये उसका है, तो ये सामने जो आपको चिक्स नज़र आ रहे हैं ये रमज़ान शरीफ में बहुत सारे हुए थे माशाल्लाह से, और आज खैर से आपको पता है रमज़ान शरीफ गुजरा, अभी 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आज बकरीद का सेकंड डे है, ठीक है। और आप देख सकते हैं गर्मी बहुत पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है इस बार, आपको पता है सब कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से चिक्स जो है वो जितने भी पेयर्स थे उन्होंने मतलब अभी तक कोई प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, वरना हर 2 मंथ बाद जो है 3 मंथ बाद चिक्स जैसे ही बाहर आ जाते थे, बल्कि चिक्स अंदर ही होते थे और वो न्यू प्रोग्रेस एग लेआउट कर देते थे, लेकिन इस बार जो है गर्मी इतनी पड़ी है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो परिंदे और ये है भी खुली छत के ऊपर, आसमान आपको नज़र आ रहा होगा, तो दुआ करें अल्लाह पाक जो है हमारे कराची शहर पे मौसम भी अच्छा करे, मुल्क के हालात भी अच्छे करें। इमरान खान साहब को वोट दिए और महंगाई आपको पता है सबको कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो आप लोग बताएं क्या करूँ इसको, एग्स को और रखूँ अभी थोड़े दिन या हटा दूँ। एग का वेट तो है माशाल्लाह से, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फर्टाइल हुए नहीं है कोई भी, और ये मज़ीद कच्चे भी होना शुरू हो गए। मैं इनको चेक करूँगा, अगर मुझे कुछ प्रोग्रेस नज़र आई तो मैं डालूँगा, वरना आज तो ये मेल फीमेल दोनों ही मतलब बाहर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 150 से ऊपर डेज हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रोग्रेस अच्छी नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करीम ही निकाल देते हैं, फिर नेक्स्ट का वेट करते हैं इसका कि ये क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। या फिर मैं अभी एग डाल के देखता हूँ, अगर नर भी बैठ रहा है और फीमेल मादा भी बैठ रही है एग्स पर, लेकिन जो है वो ख़ास कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। आज मेरे ख्याल से 22-25 दिन हो चुके हैं, वरना ऑलमोस्ट 20 to 21 डेज जो है 20-21 दिन में आपको पता है कॉकटेल जो है वो चिक्स आ जाते हैं उससे बाहर, और मतलब कोई नज़र नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल देता हूँ, अल्लाह करीम है नेक्स्ट पे डाल के देखेंगे जल्दी, फिर ये जो एग ले आउट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट जो एग जो है वो ज़्यादा ले आउट करेंगे। फर्स्ट टाइम में जो पेयर होता है वो एग भी बहुत कम देता है, लेकिन ये है कि मुझे हैरत इसलिए हुई थी कि ये जो पेयर था ये 6 to 7 मंथ में ही अडल्ट होकर इन्होंने ये एग ले आउट कर दिए, वरना इतनी जल्दी होता नहीं है। नॉर्मली कॉकटेल जो है वो साल भी ले लेता है, कोई 11 महीने लेता है, और पेयरिंग जल्दी नहीं लगती इसकी। और इसमें एक सिर्फ इशू है, अगर आप पेयर में से कुछ भी मेल फीमेल चेंज करेंगे तो ये परेशान हो जाते हैं काफ़ी अर्से, फिर जो है ये पेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने, या तो कुछ ऐसा भी हुआ है कि पिछले रमज़ान में लॉकडाउन में बहुत सारे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आए थे और सब ने माशाल्लाह बहुत सारे चिक्स देखे और सब में तकरीबन एग्स थे, तो शायद नज़र लग गई, मे भी हो सकता है। और आज भी गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आप लोग जानते हैं, तो मैं इनकी सीट आज अभी चेंज करने आया था, मैं 2 दिन के बाद चेंज करता हूँ, पहले डेली की रूटीन पे चेंज करता था, लेकिन बाजरा बहुत ज़ाया करते थे ये, तो एक हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप डेली चेंज नहीं करें, डेली चेंज करेंगे तो आपको ये देख रहे हैं ये सब बाजरा गिरा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें, तो उन्होंने मुझे मना किया कि डेली चेंज ना करें, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। मैं आपको दिखाता हूँ ये हैं अभी सब, ये अभी चेंज करना है। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आजकल मिक्स वीडियो डाल रहा हूँ, मल्टीपर्पज पे, कभी कुछ कभी कुछ, तो जो जैसा टाइम लगता है। पिछले दिनों माच गोट की मंडी, हर चौकी की मंडी, शराब गोट इस बार नहीं गया मैं, बाकी बहुत सारी बकरा मंडियों में घूम कर आया हूँ, साखरान की मंडी में गए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।